हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। अगर आप लोग भी इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मोबाइल पे अपने एक रिकॉर्डिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। मोबाइल को ट्राइपॉड पे सेट करके एक खाली जगह रिकॉर्डिंग कर लेंगे इस तरह से। जो भी लोकेशन आप लोग के सामने हो उस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद सबसे पहले जाएंगे अपने मोबाइल के गैलरी में। गैलरी ओपन करेंगे और जो रिकॉर्डिंग हमने किया है अभी उसको ले लेंगे। यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से बैक करके जाएंगे हम लोग अपने जो हमने रिकॉर्डिंग किया है, जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसका यहाँ से क्रॉप करना होगा। इसको क्रॉप करके बस ऊपर वाला भाग हमको लेना है, इसको सेव कर लेंगे। सेव हो जाने के बाद दोस्तों अब जाएंगे मोबाइल के क्रोम ऐप पे। क्रोम ऐप को ओपन करेंगे, अब यहाँ से सर्च करेंगे रिमूव बीजी। रिमूव बीजी को ओपन करेंगे, यहाँ से अपलोड इमेज वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ से उसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। बैकग्राउंड उसका रिमूव हो चुका है दोस्तों। इसको यहाँ डाउनलोड वाले ऑप्शन से सेव कर लेंगे। सेव हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग जाएंगे मोबाइल के अपने एप्लीकेशन कैपकट पे। कैपकट ओपन करेंगे। कैपकट ओपन हो जाने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने जो रिकॉर्डिंग किया है ट्राइपॉड पर रख के उसको यहाँ से चूज कर लेंगे। तो दोस्तों आ चुका है हमारा रिकॉर्डिंग। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस पे, अगर आप लोग स्काई चेंज करना चाहते हैं तो इसका स्काई चेंज कर सकते हैं। वाले पे जाके एड वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से स्काई का ऑप्शन मिलेगा जो कि पहले से हमारी गैलरी में है। यहाँ से इसको सेट कर देंगे। इसको अच्छी तरह से फिट करने के बाद यहाँ से जाएंगे मास्क वाले ऑप्शन पे। मास्क को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वाला दूसरा वाला सिलेक्ट करेंगे। इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देंगे तो यहाँ आप देखिए स्काई सेट हो चुका है। यहाँ से बैक होंगे, यहाँ पे जो हम लोग को लगाना है प्लेनेट वो गाइस आप लोगों को यूट्यूब पे सर्च करने पे मिलेगा। वहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो यहाँ से हमने इसको ले लिया है। इसको यहाँ सेट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे कटआउट पे। यहाँ से इसका जो ब्लू बैकग्राउंड है उसको हटाना है। तो यहाँ से क्रोमा की पे जाएंगे। क्रोमा की पे इस पर कलर सेलेक्ट करने के बाद इसको इसका कम करेंगे, बढ़ाएंगे। इसका शैडो भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि इसका जो ब्लू बैक है वो हट जाए बैकग्राउंड। तो देख सकते हैं थोड़ा सा आगे आ रहा है दोस्तों। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको पीछे कर देंगे। इस तरह से तो इसके लिए जो भी हमने स्क्रीनशॉट लिया है उसका बैकग्राउंड रिमूव किया है उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हो जाने के बाद दोस्तों इसको यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करना होगा। इस तरह से एडजस्ट करके इसको सेट करना होगा। ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इसके बाद इसका जो ड्यूरेशन है उसको फुल कर देंगे। सेट हो जाने के बाद इसका ड्यूरेशन जो है उसको फुल करना होगा। इसको फुल कर देंगे। अब एक बार वीडियो प्ले करके देखते हैं।
तो देख सकते हैं जो प्लेनेट है वो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से ये नीचे से ये दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो प्लेनेट वाला है उसको क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे उसको और इस पे मास्क वाले ऑप्शन पे जाएंगे। मास्क पे जो हॉरिजॉन्टल है सेकेंड वाला ऑप्शन, उसको क्लिक करेंगे और इसको खींच के नीचे ले आएंगे। यहाँ पे सेट करेंगे इसको, एक बार फिर से प्ले करके देखते हैं इसको। थोड़ा सा रह गया है, इसको अच्छी तरह से सेट नहीं हुआ है, इसको फिर से सेट करना होगा। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, मास्क का जो ऑप्शन है उसको थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, इसको हल्का सा ऊपर, बस यहाँ पे ये आप लोग अपने में अच्छी तरह से सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा वीडियो एकदम से बन चुका है, परफेक्ट वीडियो यहाँ से रेडी हो चुका है। उसके बाद हम थोड़ा सा इसका हमें कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो जो हमने बैकग्राउंड जिसका रिमूव किया स्क्रीनशॉट वाला, उसको सेलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करना होगा। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट थोड़ा थोड़ा सा इसमें एडजस्ट कर देंगे कलर। ग्रीन वाला पार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देंगे। इसी तरह मेन वाले वीडियो का भी थोड़ा सा हमें कलर ग्रेडिंग करना होगा ताकि दोनों एकदम मैचिंग दिखे। इसमें भी थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा देंगे। ध्यान रहे कि दोनों दोनों का कलर मैच होना चाहिए, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। थोड़ा सा रह गया था, इसके लिए हम इसका थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देंगे। आप देख सकते हैं जब परफेक्ट है। अब वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं एक बार लास्ट बार। तो दोस्तों हमारा वीडियो एकदम से रेडी हो चुका है। तो यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन क्लिक करके इसका ड्यूरेशन बढ़ा के इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।